अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं गाइज़? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो गाइज़ ईद बहुत अच्छे से गुजरी है और उम्मीद है कि इस साल की सबके लिए बहुत अच्छी गुजरी हो। तो गाइज़ मुझे कुछ शेयर करना था, कुछ ये चीज़ें कि आज मैंने करी थी अपनी बहन की दावत अपने घर पर, मुझसे जो बड़ी बहन है। तो गाइज़ उनके लिए मैंने बनाना था शीर कौरमा और बिरयानी। तो गाइस उनसे सुबह मैंने पूछा कि आप लोग आओगे? उन्होंने कहा हाँ हम आएंगे। फिर एंड टाइम पे अर्जुन उनके हस्बैंड को हो गया काम, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। और मुझसे सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो गई कि मैंने फ़ौरन ही सुबह ही दम बिरयानी बनानी थी, तो मैंने सारा सामान मैरिनेट करके रख दिया। तो फिर उनका फ़ोन आया कि मुझे नहीं आना है, तो फिर मेरा सारा सामान हो गया है। अभी समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम वन डिश पार्टी करते हैं, सबको बुलाते हैं और इतने जो चावल लोगों का क्या करें और सामान सारा मैरिनेट हुआ। तो मेरे बहन में एक प्लान आया कि हम वन डिश पार्टी करते हैं अपनी फ्रेंड्स को बुला के। तो अब मैंने सबको इनवाइट किया है, बोला है कि भाई वन डिश पार्टी है मेरे घर में रात को 8 बजे, तो आप लोग सब आ जाओ, कुछ भी बना के ले आओ। तब मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, कौन क्या क्या ला रहा है अभी मुझे कुछ नहीं पता, बट मैंने उनको बोल दिया मैं बना रही हूँ दम बिरयानी और आप लोग जो हो कुछ भी, जो भी जिसको समझ में आता वो लेके आ जाए। तो अब पहले मैं कर रही थी सुबह से अपनी बहन की दावत की तैयारी, अब जो मैं कर रही हूँ वो है वन डिश पार्टी की तैयारी। तो ऑलमोस्ट अभी मेरा चावलों के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है, तो मेरे चावल जैसी मैं रखती हूँ दम पे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो है शीर कौरमा भी बना लिया था मैंने, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी बहन नेक्स्ट संडे को आएगी, जब आएगी जब मैं उसको बोलूँगी। तो अब कर रहे हैं हम वन डिश पार्टी और मेरे ख्याल से 5-6 लोग हैं जो बना के कुछ ना कुछ ला रहे हैं। और ये अचानक से प्लान हुआ है, वरना वन डिश पार्टी का था, वन डिश पार्टी का प्लान था मेरी फ्रेंड के साथ मिलके, पर वो अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया था। तो ये अनएक्सपेक्टेड वन डिश पार्टी हो रही है, तो अब ये कितनी अच्छी होती है देखते हैं। और सुबह ही का व्लॉग आप लोगों ने देखा तो माशाल्लाह वो जो है उनके बालों का कलर वगैरह बहुत अच्छा आया है और वो उस बात पर अमल कर रही हैं अब तक कि फजर की नमाज़ पे भी उठ रही है और जो है सारी नमाजें पढ़ी विद सिपारा भी एक एक पढ़ी हर नमाज के साथ। तो अभी तक तो गुड चल रहा है। तो अगर कुछ ऐसा होता है मैं आप लोगों को ज़रूर ब्लॉग में दिखाऊंगी कि उनके बाल कटते हैं या चलती है कान। तो मिलेंगे अभी जब सब लोग आ जाएंगे, पार्टी स्टार्ट होगी हमारी वन डिश, तो फिर इंशाल्लाह दिखाऊंगी सब कौन क्या क्या बना के ला। तो गाइस सब आना शुरू हो गए हैं, सुबह की फ्रेंड्स तो आ गई हैं और एक पास्ता बना के लाई हूँ मैं आपको, जब डिश आउट करूँगी फिर दिखाऊंगी। और दूसरी दोस्त बाहर से सैंडविचेस वगैरह लाई, जिसको मैंने मना किया था कि बाहर से मत लाओ बस तुम आ जाओ, तो फिर भी वो सैंडविचेस वगैरह लेके आई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी फ्रेंड्स आ रही हैं तो बस मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहना है ये आउटफिट। तो बस अब जो है थोड़ी देर में हम लोग आते हैं खाना। तुम क्या लाए हमारी वन डिश पार्टी में? फिर हमारे घर में खाना मत खाना। भाई ये लोग आ गए सब और बाकी जो लोग शर्मा रहे, बाकी शर्मा रहे मैं ऐसे दिखाऊंगी। तू लड़कियां आई इतनी खूबसूरत आगे मेरे ब्लॉग में, तुम लोग वायरल हो जाओगी। ये भी है, इनकी दोस्तें भी आई हैं। तो भाई सब हो गई है पार्टी स्टार्ट और इस दफा आए हमारे घर में बहुत कम गेस्ट खाने वाले। हम खाएंगे बिल्कुल 5-10 लोगों के बराबर, एक एक बंदा, टेंशन ना ले, बचेगा कुछ भी नहीं। बचेगा अच्छा, बस बचा देंगे शायद के लिए थोड़ा बहुत, तो बस हम निकाल। तो गाइस ये सब आया है सबकी तरफ से और बिरयानी मैंने बनाई है, अभी लोग खाएंगे तो बताएंगे कैसी बनी है। और बाकी जितने लोग आए सब एक एक चीज़ें लेकर आए, थैंक यू सो मच। तो खाने लगे खाना, फिर खाने के बाद में केक काटने का टाइम। तो खाना सब आप लोगों को बताएं खाना कैसा लगा, आप बताएं खाना कैसा लगा, बिरयानी कैसी लगी? मैंने बिरयानी बनाई थी, बिरयानी कैसी लगी? अच्छी लगी। आया है शर्मिंदा, बिरयानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। लोग ब्लॉग देख के डर जाएंगे, बिरयानी कैसी लगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। आपको खाना कैसा लगा? 18 साल सा ना, मैं तो 15 साल भी शादी को नहीं हुआ पूरे तक। जल्दी बता, 15 साल। तालियां बजा लेना खुदा का वास्ता। 15 साल हो गए बस। हैप्पी बर्थडे टेढ़ा, हैप्पी बर्थडे टेढ़ा।